जबलपुर के स्वयंप्रभा मेडिकल कॉलेज की मान्यता राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019 में समाप्त कर दी गई। बावजूद इसके कॉलेज प्रबंधन द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से छात्र छात्राओं को पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया और प्रत्येक छात्र से 60,000 रुपए की राशि फीस के रूप में वसूल की गई। पैरा मेडिकल कॉलेज के छात्र परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जब कॉलेज पहुंचे तब उन्हें मालूम हुआ कि उनके परीक्षा फॉर्म भोपाल से आए ही नहीं, क्योंकि इस कॉलेज की मान्यता पूर्व में ही रद्द की जा चुकी है। इसकी जानकारी मिलने पर छात्र छात्राओं ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सचिव सचिन रजक से मिलकर विजयनगर पुलिस थाने में कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रबंधक और डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके बाद नाराज छात्र छात्राओं ने कॉलेज के सामने जबरदस्त प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ गई और कॉलेज में छात्रों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। काफी देर तोड़फोड़ और पथराव करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने नाराज छात्रों को शांत करवाया। आपको पहले से नहीं पता था इस कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई, बट हम लोग कल जब वहाँ कलेक्ट्रेट गए तो वहाँ से पता चला कि इस कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है। 2018-19 के मतलब पेपर होंगे तो उनका कोई वो नहीं, मान्यता नहीं है। आपको कितने कितने सालों से यहाँ अध्ययन कर रहे हैं? कितने सालों से यहाँ अध्ययन कर रहे हैं आपको? जानकारी नहीं थी? नहीं, कोई जानकारी। कॉलेज का नाम क्या? कितनी फीस ली थी आपसे? कॉलेज का नाम क्या? स्वयं प्रभा SPIPM पैरामेडिकल। नाम बताओ। कल जानकारी मिली थी कि जबलपुर विजयनगर स्थित स्वयं प्रभा पैरामेडिकल कॉलेज में बिना मान्यता के 120 बच्चों को वहां अध्ययन करा रहे थे 2 साल से। बच्चों से 60,000 रुपए की फीस ली गई, उनको डेली कल कहा जा रहा था कल फॉर्म भर जाएगा, परसों फॉर्म भर जाएगा, ऐसे करते करते 2 महीने उनके टाल दिए गए। जब कल बच्चों को पता चला कि उनकी कॉलेज की मान्यता ही नहीं है तो कल बच्चों ने हमारे से संपर्क किया। कल हमने जाके वहाँ पर कॉलेज संचालक, प्रिंसिपल और प्रबंधक के ऊपर 400 BC का मामला दर्ज कराया है। आज पूरे 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ एकत्रित होकर वहाँ पर प्रदर्शन किए हैं। कुछ वहीं के छात्रों ने आक्रोश व्यक्त भी किया है और NUCI ने आज जाके SPI वहाँ से ही मांग करेगी कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और जो बच्चों की फीस है उनको वापस दिलाया जाए। कुछ तोड़फोड़ भी की है तुम लोग, किस कारण? संगठन के लोगों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, वहीं के छात्र लोग रहे जिनने आक्रोश व्यक्त किया है। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।